नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फॉर्म में अगर कुछ गलती हो गया है तो उसको एडिट कैसे करना है। आप सभी को पता होगा कि बीएसएससी के द्वारा इंटर लेवल की वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें हजारों लाखों बच्चों ने अप्लाई किया होगा। इसका लास्ट डेट भी 11 नवंबर दिया गया है। तो अगर इसमें अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते समय कोई भी चीज़ अगर आपका गलती हो जाता है, हो सके मार्कशीट का अगर उसमें जो नंबर होता है सर्टिफिकेट नंबर वो गलती हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया, या आपका आवासीय जातीय और बाकी सारा कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो सर्टिफिकेट का, या एड्रेसिंग क्यों ना गलती हुआ हो, तो उसको एडिट कैसे करना है ये आप लोग इस वीडियो में जानिएगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो दोस्तों आप लोग अप्लाई तो किए होंगे ऑनलाइन, पर इसमें प्रीव्यू एक देखने का ऑप्शन आते रहता है। जैसे ही अगर आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आप लोग इंटर कीजिएगा, तो पहले फर्स्ट वाले प्रोसेस को आपको उसमें यहाँ पर व्यू करवाता है, आपको बोलता है कि पहले आप लोग देख लीजिए, अगर कोई गलती है तो एडिट कर सकते हैं। पर अगर आप बिना देखे या आपको पता नहीं चलता है कि हाँ गलती हुआ है या कुछ, आप लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं और अप्लाई भी कर देते हैं। अगर उसके बाद आप लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई ये गलती हो गया है हमसे, तो उसको कैसे अब एडिट करना है ये देख लीजिए। पहले तो इसका आप लोग जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं, तब मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोग को क्या करना है जिससे आपका दोबारा से एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे तो बीएसएससी ने प्रोवाइड नहीं किया है कि दोबारा एडिट कर सकते हैं, इसका डेट नहीं जारी किया गया, तब पर भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने एक कैंडिडेट का एडिट किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप लोग ये जान लीजिए। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आप लोग यहाँ सबसे पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका बीएससीसी का, उसमें आप लोग यहाँ देख लीजिए कि आवेदन ऑनलाइन करने की प्रारंभ तिथि आपका 27 तारीख से हुआ था और यहाँ पर 11 तारीख 11वां महीना को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के इस वेबसाइट पे होगा तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर लिख दिया गया है कि अगर आपका कोई भी गलती होता है तो उसका बीएसएससी जिम्मेवार नहीं होगा, आप लोग खुद होंगे। अभ्यर्थी के नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए, यानी मैट्रिक का ही जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, माता पिता का नाम होना चाहिए। काहे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट से ही आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और सभी अभ्यर्थी अपने कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रविष्ट सावधानी पूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरांत ही भरे, यानी पहले अपना कैटेगरी पहले जान लीजिए तभी आप लोग अप्लाई कीजिए। ओबीसी और ईबीसी में काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में आपका कोई सुधार का गुंजाइश नहीं है, पर ये गुंजाइश सिर्फ लिखा जाता है और कर देता है अगर आप लोग बढ़िया तरीके से अगर आप लोग ईमेल के थ्रू इसको भेजे तो बीएसएससी के द्वारा। और आपका जो पेमेंट का है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि अगर आपका पेमेंट फंस गया है तो कैसे रिफ़ंड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। पर इसमें जान लीजिए कि आप कैसे एडिट कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका कुछ भी गलती हो गया, यहाँ पर तो ये दे दिया कि नहीं भाई नहीं होगा, पर इसका जो वेबसाइट है यानी जो ईमेल है ये आप लोग जान लीजिए, ईमेल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब उसी ईमेल पे एक आपको आवेदन लिखना है कि हाँ मेरा ये गलती हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर इनरोल कर देना है और इनरोल करने के उपरांत आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो लिख देना है, अपने अनुसार लिखिएगा आवेदन।
से मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, और वो लिख कर आप लोग को सेंड कर देना है। और सेंड करने के उपरांत आपको हो सके 2-3 दिन लगे, आपको एक ईमेल आएगा। मैं ईमेल दिखा देता हूँ आप सभी को किस प्रकार ईमेल रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, तब आपको एक उम्मीद हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा एडिट हो सकता है। आपको एक ईमेल मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि BSSC के द्वारा ईमेल भेजा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ईमेल के थ्रू यहाँ पर नोटिफाइड किया गया है कैंडिडेट को कि हाँ अब आप लोग इसको एक ही बार एडिट कर सकते हैं। दोबारा अगर आपको फिर अगर मान लीजिए गलती हो गया है तो आप लोग नहीं एडिट कर सकते हैं, एक ही बार में आपको जो एडिट करना है कर लीजिए। एडिट का ऑप्शन दे दिया जाता है, यहाँ मैंने ब्लर कर रखा है ताकि मैं जो जिस भी कैंडिडेट का ये आया है उसका जो पब्लिक मैं ना कर सकूँ उसका पर्सनल डिटेल्स, इसलिए मैंने यहाँ ब्लर कर रखा है। आप सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ईमेल आया है उसका यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों सब लोग को ये ऑप्शन नहीं मिल सकता है, किन्हीं किन्हीं का हो सके मिले या सबको भी मिल सकता है ऐसा मैं नहीं कह सकता पूरे दावे के साथ कि हाँ आप सभी का हो ही जाना है। आप लोग ये तरीका है जिसको मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि हाँ भाई इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ना होना या होना ये मेरे वश की बात नहीं है। तो आप लोग अपने ही जिम्मेदारी से अप्लाई मतलब जो भी एडिट करना है उसका रिक्वेस्ट भेजें, अन्यथा आप लोग के पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एडिट करने का, यही एक ऑप्शन है। और जिन लोगों को नहीं आता है इसका ईमेल उसका भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप लोग दोबारा भी अप्लाई या दोबारा भी इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं BSSC को, हो सके पहला बार में नहीं तो दोबारा ज़रूर आपको ईमेल मिल जाएगा। और ये ईमेल आपको 1 सप्ताह के अंदर में आपको आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है, और उसका रिप्लाई आप लोग नहीं दे सकते हैं। आप लोग को जो भी भेजना होगा तो इसका ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बाकी सारा कुछ दिखाई देता है, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है और आपका जो भी एडिट करने का होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो यहाँ पर ओपन कर दिया जाता है, यू कैन एडिट कर सकते हैं आप फॉर्म को। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। इससे जुड़ी जानकारी और सरकारी भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब लगातार आप सभी को वीडियो मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।